चलिए तो हमारी खास पेशकश और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और जैसा कि हम आज शो की शुरुआत करने जा रहे हैं, बहुत ही इनोवेटिव एनएफओज कई सारी एएमसीज लॉन्च कर रही है। वैसे तो इस साल के शुरुआत से ही नए नए तरह के एनएफओज लॉन्च होने शुरू हो चुके हैं, लेकिन आज की हमारी पेशकश कुछ खास तरह के एनएफओज पे है जो आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक्सपोजर तो देती ही है, लेकिन उसमें भी फिरोज खास बात यह है कि यूएस के बाजारों के अलावा आपको ये एनएफओ जो है विदेशी बाजार में निवेश करने का मौका देते हैं। तो एक एक करके एनएफओ की हम शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड का, जो कि एक तरह का अनोखा एनएफओ है और आपको ताइवान के बाजार में निवेश करने का मौका देता है, वहां के टेक स्टॉक्स में निवेश करने का मौका देता है। तो सबसे पहले ताइवान का बाजार, फिरोज, कितना एक्साइटिंग है ये? आई थिंक कविता जी, जैसे आपने कहा, ये काफी इनोवेटिव ग्लोबल एनएफओस हैं और निप्पॉन ताइवान इंडेक्स जो फंड है उसमें ताइवान की मार्केट को अगर हम देखें फ्रॉम परफॉर्मेंस स्टैंडपॉइंट, इंडिसेस अंडर परफॉर्म किए हैं इंडिया को, बट इसीलिए पास्ट परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं होता है तो ही अट्रैक्टिव होता है, बट फ्रॉम 1 year, 2 year, 5 year, even 10 year perspective से इंडिया की जो BSE 500 इंडेक्स है उसने ताइवान के इंडेक्स को बीट किया है इन द पास्ट। बट अगर हम ग्लोबल फंड की बात करें तो रुपी डेप्रिसिएशन या डॉलर एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन फ्रॉम अ रुपी पर्सपेक्टिव भी थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न दे देता है, तो उस आधार पे लास्ट 3 सालों में परफॉर्मेंस ताइवान का बेटर रहा है ऑन द इंडेक्स बेसिस। ओके, कुछ इस फंड की बारीकियों में मैं जाना चाहूंगी जो डिटेल्स हमारे पास आ रही है। एनएफओ जो है 6 दिसंबर तक खुला है और ये ताइवान थीम पर एक तरह का फोकस्ड फंड हम इसे कह सकते हैं, लेकिन एक चीज जो मुझे आपसे ये समझनी है, कैथी साइट जो कि सबसे बड़ी एसेट मैनेजर है ताइवान की, उसके साथ निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने ये फंड को लॉन्च किया है। कैथी साइट जो है ताइवान पब्लिक पेंशन में ताइवान इक्विटी मार्केट की सबसे बड़ी सेग्रीगेटेड अकाउंट मैनेजर भी है, इसका मतलब क्या है? और निप्पॉन इंडिया की विस्तार, इस फंड को लेकर जो विस्तार योजना है वो कैथी साइट के साथ आगे बढ़कर कैसा रूप लेती हुई आपको दिखाई दे रही है? आई थिंक कविता जी, इसकी जो फंड है, ये फंड की जो स्ट्रेटजी है वो मल्टी कैप स्ट्रेटजी है। okay. तो काफी सारी डिफरेंट साइजेस कंपनीज की इंक्लूडेड होंगी पोर्टफोलियो में, दैट्स वेरी गुड, क्योंकि आप इंडिया को छोड़ के बाहर जाते हैं और एक मार्केट में जा रहे हैं तो वो डिवर्सिफाइड होनी जरूरी है, तो आई थिंक मल्टी कैप स्ट्रेटजी एक टिक मार्क होगा। सेकंड, कंपनीज जो सेलेक्ट होती है वो मार्केट शेयर के आधार पे, कि कोई भी कंपनी उस जो बिजनेस में है उसमें मार्केट शेयर अगर उसका अच्छा हो तो उस आधार पे और प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पे ये पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट होगा। 40 कंपनी मैक्सिमम होगी, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा फैला हुआ पोर्टफोलियो, तो फोकस पोर्टफोलियो है। आई थिंक ये स्ट्रेटजी के हिसाब से निप्पॉन ने टाइप किया है, तो आई थिंक इट्स अ गुड डिवर्सिफिकेशन फॉर श्योर। अच्छा, नई टेक्नोलॉजी ट्रेंड और किसी भी स्टॉक में 10% से ज्यादा का एक्सपोजर ये फंड नहीं लेगा, इसे आप कैसे देखते हैं वॉलिटिलिटी और रिस्क के लिहाज से? आई थिंक कविता जी, जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी मिनिमम 11 स्टॉक होने जरूरी होते हैं एक पोर्टफोलियो में, तो इन इफेक्ट 10% से ज्यादा हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स भी नहीं एलोकेट कर सकते एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी बार अगर ये ना हो तो फंड मैनेजर की हाई कन्विक्शन की वजह से आप 15-20% एक्सपोजर अगर एक स्टॉक में ले लें तो प्रॉब्लम हो सकती है। आपको याद होगा जब 1-2 स्टॉक्स इंडेक्स में 10% को पार कर गए थे तो एएमसी सेबी के पास जाके अप्रूवल ली थी, स्पेशली रिलायंस इंडस्ट्रीज, निफ्टी और सेंसेक्स में उसका वेटेज 10% से बढ़ गया था, तो ये बहुत अच्छा रिस्क मिटिगेशन है ताकि ओवरबोर्ड नहीं जाए हम, फंड मैनेजर ओवरबोर्ड नहीं जाए और रिस्क को सीमित रखें।
फिरोज, अगर ये जो NFO है, अगर ताइवान के बाजार में निवेश करता है, तो स्पेसिफिकली किस तरह के स्टॉक्स का यहाँ पर जिक्र हो रहा है? सेमीकंडक्टर को लेकर जिस तरह से हम जानते हैं कि बड़े मैन्युफैक्चरर्स आपको ताइवान में ही मिलेंगे, क्या उस पर खास तरह का फोकस है? क्योंकि एक तो ये डायरेक्ट ताइवान के स्टॉक में निवेश कर रहा है, ये किसी भी तरह का फीडर फंड नहीं है, फंड ऑफ फंड नहीं है, तो ऐसे में क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में मुझे जानना है आपसे, और साथ ही एक भारतीय निवेशक के लिए रिस्क फैक्टर कितना बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कविता जी, हर कंट्री की स्ट्रेंथ्स होती है। जैसे आपने कहा सेमीकंडक्टर 63% वर्ल्ड सेमीकंडक्टर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वहां ताइवान में होती है, 18th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन सीमित है, तो एज अ कंट्री इट्स अ स्टेबल कंट्री, माना कि टॉप 10 इकोनॉमीज में नहीं आती है, बट 18th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। बट आई थिंक कंट्री पर्सपेक्टिव से गुड, एंड आई थिंक जो फंड की स्ट्रेटेजी है ज्यादा सेक्टर फोकस्ड नहीं है, 40 डिफरेंट स्टॉक्स अक्रॉस डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट शेयर बीइंग द की डिटरमिनेंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। अच्छा, आपने कहा ये एक मल्टी कैप फंड है, तो भारत में जिस तरह से हम मल्टी कैप फंड्स को लेके नियम जारी हुए हैं और जो AMCs लागू करती हैं, क्या इस तरह के फंड के लिए भी, क्योंकि ये विदेशी फंड है, तो मल्टी कैप फंड्स के नियम क्या वहां पे भी लागू होंगे, इस तरह के फंड के लिए भी लागू होंगे? देखिए, आई थिंक जहां तक की मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ताइवान में मल्टी कैप स्ट्रेटजी की एक डेफिनेशन, जैसे हमारे इंडिया में, जैसे आप कह रही हैं कि अगर आपने अपने फंड को मल्टी कैप कहा तो 25% मिनिमम तीनों डिफरेंट साइजेस में होनी चाहिए, लार्ज में 25, मिड में 25, स्मॉल में 25, और बाकी 25 फंड मैनेजर की डिस्क्रिप्शन पे होता है। आई थिंक इट विल बी ट्रू टू लेबल मल्टी कैप ऑन फंड मैनेजर्स डिस्क्रिप्शन रादर देन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो अब मुझे ये बताएं कि एक निवेशक को ताइवान जैसे बाजार में, क्योंकि अपने आप में देखा जाए तो ये बहुत ही अनोखा फंड है फिरोज, और मेरे ख्याल से पहली बार हमने देश में ऐसा फंड आता हुआ देखा होगा जो स्पेसिफिकली ताइवान के टेक स्टॉक्स और उसी क्षेत्र की कंपनियों में डायरेक्ट निवेश करेगा और आपको एक्सपोजर देगा। मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि अब तक अंतर्राष्ट्रीय निवेश की जब तक बात आई है तो अमूमन US के बाजारों पर ही लोगों का ज्यादा रुझान रहता है, फोकस रहता है, इंटरेस्ट भी रहता है, लेकिन ताइवान जैसे बाजार में अगर मैं इस तरह के फंड को पोर्टफोलियो में डालूं तो डाइवर्सिफिकेशन तो खैर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के भी मामले में क्या ये एक ऐसा फंड हो सकता है जिसको मैं कंसिडर करूं, इस बाजार को कंसिडर करूं? यस कविता जी, आई थिंक कंसिडर जरूर कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपने टोटल ग्लोबल फंड्स का AUM देखा तो ज्यादातर जो पैसा इंडिया में कलेक्ट होता है फीडर फंड्स या ग्लोबल फंड्स के लिए 70-80% इफ आई एम नॉट रॉन्ग गोस टुवर्ड्स US। तो अगर हम ग्लोबल डिवर्सिफिकेशन कर रहे हैं और US अपने प्रॉब्लम से जूझ रहा है, हाई इंटरेस्ट रेट रिजल्टिंग फ्रॉम हाई इन्फ्लेशन, तो आप अगर ग्लोब में जाना चाहते हैं तो सिर्फ US फोकस नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत एप्ट एंड कंटेम्प्रेरी स्कीम होगी, बिकॉज ताइवान की एक स्ट्रेंथ है, एक USP है, और कहती जो $42.8 billion मैनेज करते हैं, तो आई थिंक उसकी जो स्ट्रेंथ निपॉन ला रहा है टेबल पे, इट्स डेफिनेटली वर्थ कंसीडरिंग। ऑलराइट, चलिए, तो फिरोज आपको ये फंड कंसिडर करने की सलाह तो दे रहे हैं, लेकिन आप ये तभी करेंगे जब आपका एक बुनियादी पोर्टफोलियो तैयार होगा, और अंतर्राष्ट्रीय फंड आप पोर्टफोलियो में तभी ही शामिल करें जब आपने अपनी बेसिक डाइवर्सिफिकेशन को पूरा कर लिया हो। लेकिन एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फंड हम लेकर आए हैं आपके लिए, ये है मोतीलाल ओसवाल MSCI EAFE टॉप 100 सिलेक्ट इंडेक्स फंड। जितना बड़ा इस फंड का नाम है उतने ही ज़्यादा जगह पर आपको ये अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर देता है। फिरोज, ये जो फंड है ये एक लौता ऐसा फंड है जो इनोवेटिव इकोनॉमी, ठीक है, और इसमें उन्होंने नाम दे रखा है स्विट्जरलैंड का, जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड्स, जापान, फ्रांस, UK, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, हांगकांग में आपको निवेश का मौका देता है, और अलग अलग देशों में ये हैवी वेट भी है, जैसे कि फिलहाल अगर हम देखें तो UK में लगभग 20% का निवेश, जापान में 19% का, फ्रांस में लगभग 15%, जर्मनी में 11% और स्विट्जरलैंड में 14% का निवेश है।
ये फंड 10 सेक्टरों में लगभग आपको 83% एक्सपोजर भी देता है, जिसमें फाइनेंशियल्स है, हेल्थ केयर है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज है, कंज्यूमर स्टेपल्स, इंडस्ट्रियल्स और आईटी सेक्टर भी है। तो जैसा शुरुआत में मैंने कहा कि नाम भी बड़ा है और आपको निवेश भी काफ़ी डीपली मिल रहा है और उस बाजारों में मिल रहा है जहाँ पे शायद निवेशक जाना चाहते थे और अब तक जाने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। फिरोज, कैसा लगता है आपको ये फंड? कविता जी, ये फंड जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट जरूर हो सकता है। हाँ। क्यों, जब भी डेवलप्ड मार्केट्स की बात होती है तो हमारे जहन में यूएस, कनाडा, यही कंट्रीज आती हैं। बट ये डेवलप्ड इकोनॉमीज में पैसे डालता है, डेवलप्ड मार्केट्स में पैसे डालता है, बट इन दोनों के अलावा तो EAF, ई जो है उसका फुल फॉर्म है यूरोप ऑस्ट्रेलिया फार ईस्ट। तो यूएस और कनाडा को छोड़ के जो MSCI का जो एक इंडेक्स है EAFE, उसमें निवेश करता है टॉप 100 स्टॉक्स में। तो आई थिंक इट्स अ गुड कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपोजर टू द ऑलरेडी यूएस एक्सपोजर इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल फंड्स वन माइट हैव। ये आपने सही कहा, क्योंकि MSCI EAFE इंडेक्स जो है इकसित विकसित बाजारों को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है। अब तक इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है फिरोज? देखिए, परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से इसकी तुलना इंडियन मार्केट से कंपेयर करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी थोड़ी ज्यादा ग्रो होती है। तो अगर यूएस मार्केट से कंपेयर करें तो इसकी थोड़ी आउट परफॉर्मेंस रही है, बट सबसे ज्यादा अहम यह है कि उसकी रिस्क काफी कम रही है। यूएस स्पेशली ओवर द लास्ट 3 इयर्स उसकी जो वॉलेटिलिटी है ओइंग टू द बिग टेक स्टॉक्स बहुत ज्यादा रही है। सो रिटर्न मार्जिनली ज्यादा है बट रिस्क सिग्निफिकेंटली कम है इस MSCI EAFE का इंडेक्स का। इसके अलावा मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ कि 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स का यहाँ पे लगभग 25% हिस्सा है, जिसमें सबसे ज्यादा 4.1% दिया गया है। इसका मतलब क्या होगा? फंड में 10 देश तो हैं लेकिन 100 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और उसमें भी हमने देखा है कि 10 को 25% तक की वेटेज दी गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर हम कोई भी पोर्टफोलियो ले लें, डोमेस्टिक पोर्टफोलियो ले लें, तो ये स्टॉक्स में है। तो कोई भी पोर्टफोलियो अगर हम क्रिएट करते हैं तो टेल लंबी होती है। पहले 10 स्टॉक्स में 25% इज रीजनेबल, स्पेशली क्योंकि 100 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। आई थिंक 1/4 पहले टॉप 100 टॉप 10 में है, बाकी 3/4 सब्सिक्वेंट 90 स्टॉक्स में है। सो इट्स अ रीजनेबली वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एंड हमेशा कोई भी आप इंडेक्स देखेंगे तो टॉप स्टॉक काफी बड़ा होगा। सो 4% टू नेस्ले इज नॉट टू कॉन्सेंट्रेटेड। मुझे ये बताएं कि अब ये जो है MSCI EAFE इंडेक्स है, इसका लगभग निफ्टी से अगर हम देखें तो 42% और S&P 500 से 57% का कोरिलेशन भी है, ये कैसे है? सॉरी कविता जी, आपकी लाइन ठीक से आई नहीं। मैं आपसे ये पूछ रही थी, ये समझना चाह रही थी मैं आपसे कि MSCI EAFE इंडेक्स जो है इसका 42% कोरिलेशन निफ्टी से है और S&P 500 से लगभग 57% का है, इसका एक भारतीय निवेशक के लिए क्या मतलब होगा? कोरिलेशन का ये मतलब है कि एक इंडेक्स दूसरे के मुकाबले कैसे मूव करता है। अगर ये नीचे जाता है तो ये भी नीचे जाता है, ऊपर जाता है, वो कोरिलेशन एक अंदाजा दे सकता है आपको। जैसे आपने कहा कि 42% की कोरिलेशन है, इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह से जुड़े हुए नहीं है, तो 42% कम कोरिलेशन मानी जाएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि इक्विटी बाजार जो डिफरेंट देशों में है वो काफी कोरिलेटेड रहते हैं। आप देखते हैं कि अगर रात को यूएस मार्केट्स गिरती है तो अगले दिन ज्यादातर संभावना है कि इंडियन मार्केट भी नीचे खुलती है, तो कोरिलेशन ज्यादा होता है। अगर मैं आपको एक तुलना करूं, आज आप 2 लार्ज कैप स्कीम इंडिया की ले लें और कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल मिला एसेट लार्ज कैप और SBI का ब्लू चिप फंड, इसकी कोरिलेशन 90% आने की संभावना है। तो 90% इज योर कोरिलेशन बिटवीन 2 इंडियन स्कीम्स, बट इसका 42% का कोरिलेशन है, तो काफी अनकोरिलेटेड माना जाएगा मेरे हिसाब से।
राइट, अब मुझे ये बताएं क्योंकि इतने सारे बाजारों का एक्सपोजर है, अमूमन हम कहते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई तो करें लेकिन इस तरह से करें ताकि आप एक निर्धारित डायरेक्शन में जा सके। अब ये जो फंड है ये तो आपको 10 देशों में एक्सपोजर दे रहा है, तो डाइवर्सिफिकेशन में भी डाइवर्सिफिकेशन है, कितना रिस्क है? नहीं देखिए, पहले तो ये डेवलप्ड मार्केट्स में इन्वेस्ट करता है, तो जाहिर बात है कि वो डीपर मार्केट्स हैं, ऐसे नहीं है कि फ्लूइड मार्केट्स हैं, मार्केट गिरेगी तो कोई खरीदारी नहीं होता है, तो ये डेवलप्ड मार्केट इंडेक्स है। सेकंड, अगर आप डिवर्सिफाई करते हैं तो करेंसी भी डिफरेंट किस्म की मिलती है आपको, तो रिस्क घटता है इससे, क्योंकि करेंसी डिवर्सिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि आप यूके में अगर 20% पैसा है तो वो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में जीबीपी में कोट होता है, आपकी एनएवी भले ही रूपी में आए बट जीबीपी का एक्सपोजर ऑटोमेटिकली आ जाता है। सो करेंसी डिवर्सिफिकेशन, डेवलप मार्केट, तो बोथ दीज रिजल्ट इन लोअर रिस्क देन अ हायर रिस्क। ये तो आप मुझे बताएं कि आप क्या निवेशकों को इस फंड में निवेश करने की सलाह देंगे? फंड का जो डेट हिस्सा है अभिरूप मुखर्जी देखेंगे और फॉरेन सिक्योरिटीज अंकुश सूद देखेंगे। मुझे बताएं क्या लेना चाहिए अगर आपके पास एक बेसिक पोर्टफोलियो है जो कि डाइवर्सिफाइड है? फिरोज, मेरे हिसाब से कविता जी, ये जो हम एनएफओ की बात कर रहे हैं तो ये ज्यादातर जनरल ये फंड, थोड़ा और दिमाग लगा के आपको अपनी करंट स्थिति देख के डेफिनेटली इट्स फ्रॉम प्रोडक्ट लेवल स्टैंडपॉइंट इट्स अ टिक मार्क। क्या वो हर पोर्टफोलियो में शामिल हो सकता है, ऐसे जेनरिक रूल नहीं बना सकते। चलिए, तो यहाँ पे हमने अब तक दो फंड्स की बात कर ली है जो आपको अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर देंगे। मेरे पास और दो फंड्स हैं लेकिन जल्दी से एक दर्शक से जुड़ लेते हैं क्योंकि वो फोन लाइन पर हमारे साथ काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ मैं बात कर रही हूँ मनीष की। मनीष, आप मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? जी कविता जी, नमस्कार। नमस्कार सर, क्या हालचाल, कैसे हैं? बढ़िया मैडम, और मेरा सवाल लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और फिरोज जी का और ईटी नौ स्वदेश चैनल का। थैंक यू अपना सवाल भेजने के लिए और हमें विश्वास जताने के लिए। बताएं, आपको 15 साल बाद चाहिए 1 करोड़ रुपए, है ना? जी। चलिए, आपका सवाल हमारे पास है, फिरोज के पास भी है। फिरोज, इनके पोर्टफोलियो में फिलहाल 4 फंड्स हैं जो निवेश कर रहे हैं लगभग 21,500 रुपए का हर महीना, क्या उससे ये 15 साल में 1 करोड़ रुपए जुटा पाएंगे? यस कविता जी, आई थिंक मनीष जी ने बहुत अच्छा बैकवर्ड कंप्यूट किया है। 12% की रिटर्न पे 1 करोड़ 2 लाख पे पहुंच जाएंगे, 12% की रिटर्न एज्यूम करेंगे और अपनी SIP बढ़ाए बगैर, क्योंकि 15 साल में काफी बार आपकी आयु बढ़ती है तो आप बढ़ाते हैं। सो परफेक्ट डेफिनेटली पहुंच सकते हैं और 12% की रिटर्न की उम्मीद करना, स्पेशली जब हमारे फंड्स लार्जली इक्विटी हैं, एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, तो इट्स नॉट एन अनफेयर एक्सपेक्टेशन, डेफिनेटली एक टिक मार्क है कविता जी। और राइट, चलिए, तो अपने निवेश में आप बने रहिए और SBI फोकस्ड इक्विटी में आप फिरोज इनको निवेश की सलाह दे रहे हैं। यस कविता जी, आई थिंक इतनी लंबी अवधि के लिए, 15 साल की अवधि के लिए ये फोकस्ड फंड अपने पोर्टफोलियो में हमेशा शामिल करने चाहिए, क्योंकि इसमें हाई कन्विक्शन बेट होती है। जैसे आप SBI फोकस की बात कर रहे हैं तो आर श्रीनिवासन जो फंड मैनेजर है उन्होंने सिर्फ 25 स्टॉक खरीदे, ना कि 50, 60, 70, तो ये लॉन्ग टर्म एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट करने के लिए काफी काम आते हैं, तो उस कैटेगरी में SBI फोकस्ड मेरा फेवरेट फंड है। सेकेंड फेवरेट है ICICI फोकस्ड इक्विटी, तो इसको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें और 4 फंड से आप 5 फंड में भी जरूर जा सकते हैं, क्योंकि अमाउंट 21,500 रुपए की है मनीष जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से इंटरनेशनल NFOs की हम बात करते हैं और समय हमारे पास कम है तो संक्षेप में रखेंगे जवाब। फिरोज, बात कर रही हूँ यहाँ पर मिरर एसेट हैंगसैंग टेक ETF का, और ये जो है हैंगसैंग टेक TRI को फॉलो करता है और NFO 29 नवंबर को बंद हो जाएगा, और इसमें जो है जो फंड मैनेजर हैं सिद्धार्थ श्रीवास्तव इसको मैनेज करेंगे और जो फंड ऑफ फंड देख रही हैं वो एकता गाला है। दो तरह के यहाँ पर फंड्स की बात हो रही है, मिरर एसेट हैंगसैंग टेक ETF और एक है टेक ETF फंड ऑफ फंड, दोनों को आप कैसे देखते हैं फिरोज? मेरे हिसाब से हैंगसैंग जो इंडेक्स है जनरल, ये मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया है, तो मेरा एक कॉन्ट्री बेट होगा कि हैंगसैंग इंडेक्स अच्छा करेगा। हैंगसैंग IT इंडेक्स भी आउट परफॉर्म करना चाहिए ग्लोबल मार्केट्स के पीयर्स को,
पॉइंट वन. पॉइंट टू, ये बहुत स्पेशलाइज्ड फंड है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करता है, तो मेरे हिसाब से इसकी नीड सबको होगी नहीं, बट डेफिनेटली ये स्टॉक एक थीमेटिक फंड है, प्योर थीमेटिक फंड है, सो आई वुड नॉट रिकमेंड ऑल ऑफ देम टू इन्वेस्ट, बट वैल्यूएशन के हिसाब से डेफिनेटली एक आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग रहेगी इस इंडेक्स. और राइट, और आपको बता दें कि जो ETF है वो आपको 30 सबसे बड़ी टेक सेंट्रिक चाइनीज कंपनी में जो कि लिस्टेड है हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में, वहां पर निवेश का मौका देता है. आगे बढ़ते हैं, और एक और अनोखा फंड जिस पर मुझे बात करनी है वो है PGIM इंडिया ग्लोबल सिलेक्ट रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड ऑफ फंड, जो कि एक तरह का रीट्स फंड है म्यूचुअल फंड के जरिए रियल एस्टेट में और विदेशी रियल एस्टेट में निवेश करने का बेहतरीन मौका. फिरोज. Yes, कविता जी, ये जो फंड है मेरे हिसाब से रियल एस्टेट सेक्टर अक्रॉस डिफरेंट ज्योग्राफीज करना एक अनवांटेड डिवर्सिफिकेशन है मानूंगा, बिकॉज उसमें रीट्स बहुत कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बिकॉज वो उसकी मैनेजमेंट कैसी है, सो आई थिंक फंड मैनेजर अच्छी जस्टिस कर सकते हैं, बट रियल एस्टेट एज अ सेक्टर अगले 5-10 साल 15 साल ग्लोबली वी आर नॉट बुलिश, बिकॉज दुनिया बदल रही है और द नीड ऑफ स्पेसिफिक रियल एस्टेट, जो डिमांड सप्लाई है वो काफी दुनिया फैल रही है, तो रियल एस्टेट की जो डिमांड होगी फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म स्टैंड पॉइंट नॉट वेरी बुलिश, और उसमें भी आप इतनी मार्केट्स में जा रहे हैं जो आपको समझ नहीं है. रियल एस्टेट एक बहुत माइक्रो मार्केट सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं कहूंगा कि इंडिया में ही अगर आपको गुड़गांव में रियल एस्टेट इन्वेस्ट करना है तो उसके डायनेमिक्स बहुत डिफरेंट हैं, मुंबई के रियल एस्टेट की डायनेमिक्स बहुत डिफरेंट हैं, बैंगलोर के डिफरेंट हैं. अगर इतने ज्यादा डिफरेंट डायनेमिक्स हैं और बिल्डर्स जनरली एक रीजन पे फोकस रहते हैं, जैसे शोभा बिल्डर बैंगलोर बेस्ड है, DLF ज्यादातर अपने प्रोजेक्ट्स NCR रीजन में करता है, सो इट्स अ वेरी वेरी माइक्रो मार्केट ड्रिवन सब्जेक्ट, उसके लिए कंट्री में डिवर्सिफाई करना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं होना चाहिए करना होगा. और जहां तक रीट्स फंड की बात है, वैसे बाजार में कई सारे रीट फंड्स लॉन्च भी हो रखे हैं, उनकी ओर भी आप रुख कर सकते हैं. बहरहाल चर्चा को यहां पर हम समाप्त करेंगे और एक बार फिर से दर्शकों की ओर रुख करेंगे जिनके सवाल हमें शामिल करने हैं शो पे. दिलीप सिंह फोन लाइन पर मेरे साथ हैं. नमस्कार दिलीप जी. नमस्कार मैडम. सर पूछिए सवाल. मैडम मेरा सवाल ये है कि PPF का जो अकाउंट है ये मुझे अपने पोते के लिए खुलवाना है और बेटे का ऑलरेडी मेरा PPF अकाउंट है. ठीक है, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है अकाउंट खुलाने का, दूसरा इसमें सवाल ये है कि दोनों अकाउंट में सेविंग कितनी कितनी कर सकते हैं और दोनों से चेक सेविंग कितनी कितनी आ सकती है हमें. चलिए फिरोज, क्या सलाह होगी? समय मेरे पास बहुत ही कम है. हाँ, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बट जो टोटल क्यूमुलेटिव अमाउंट माइनर और कॉन्ट्रीब्यूटर का 1.5 लाख ही हो सकता है, ATC के तहत भी आपको 1.5 लाख की बेनिफिट मिलती है, बट ये बहुत अच्छा आइडिया है गिवन ब्याज दरें कम है, बट PPF आपको अच्छा ब्याज देता है, 1.5-2% आपको ज्यादा मिल जाता है करंट प्रिवेलिंग रेट से फॉर द सेम पीरियड ऑफ GSEC, तो डेफिनेटली अ गुड इन्वेस्टमेंट. चलिए आगे बढ़ते हैं और आखिरी दर्शक हमारे शो पर हैं अंकिता, जो अपना सवाल पूछना चाहती हैं. जब तक वो कनेक्ट होती हैं उनका सवाल हमारे पास है. 24 साल की इनकी उम्र है फिरोज, और ये फ्रेशर हैं एक तरह से जहां तक इन्वेस्टमेंट्स की बात है, और 500 रुपए से अपनी SIP की शुरुआत भी करना चाहती हैं. मीडियम रिस्क ले सकती हैं और इन्हें SIP के जरिए ही निवेश करना है. क्या फोन लाइन पर है अंकिता? चलिए अंकिता, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, गुड इवनिंग. आवाज आ रही है आपकी? जी गुड इवनिंग. आपका सवाल हमने लिया है शो पे, 500 रुपए से आप शुरुआत करेंगी, लेकिन कितने? थैंक यू सो मच. यू मोस्ट वेलकम. मुझे ये बताएं कि आप कितने समय तक निवेश करना चाहती हैं? मैम मैं लॉन्ग टर्म कर सकती हूँ इन्वेस्ट, 5-7 इयर्स मैं कर सकती हूँ, नो इशू. और 500 रुपए से आगे भी बढ़ाएंगी ना अपने इन्वेस्टमेंट को? श्योर मैम, मैं अभी इनिशियल लेवल पे मैं 500 से स्टार्ट करना चाह रही हूँ. आप कहीं पे जॉब करती हैं? यस मैम, आई वर्क. तो आप 500 रुपए से ज्यादा आगे चल के सेव कीजिएगा, ये आप वादा कर रही हैं आज मनी मंत्रा पर हमसे, ठीक है? श्योर मैम.
चलिए फिरोज, 500 रुपीज से ये अपने निवेश की शुरुआत करना चाहती है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत खूबसूरत बात है। अगर आप इक्विटी बाजार में हिस्सा लेना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए, तो कम से कम राशि में आपको निवेश करने का मौका मिलता है। और इसी तरह के यंगस्टर्स को हमेशा हम इनकरेज करते हैं। अंकिता की तो उम्र यहाँ पर 24 साल की है, लेकिन कई ऐसे यंगस्टर्स हैं जो अपनी पॉकेट मनी बचाकर इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं। तो ये आपको न सिर्फ एक सही टाइमिंग बदलाता है इन्वेस्टमेंट की, लेकिन आप सही दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, ये भी इस बात का सबूत है। फिरोज। यस कविता जी, आई थिंक फीमेल यंग इन्वेस्टर फर्स्ट टाइम सुन के बहुत खुशी होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक सबसे ज्यादा रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है। सेबी इतना बेहतरीन काम कर चुकी है अर्जों से कि एक निवेशक के पैसे सुरक्षित रहते हैं लॉन्ग टर्म में। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अंकिता कि आप स्टार्ट कर रही हैं। पॉइंट वन, पॉइंट टू, आप 500 से स्टार्ट करिए, जैसे कविता जी ने कहा उसको बढ़ाइएगा। दो स्कीम्स मैं बता देता हूं आपके लिए अंकिता। एक होगी कैनरा रेबेको ब्लू चिप। श्री दत्ता जो फंड मैनेजर है, उन्होंने 48 शेयर खरीदे हैं इस पोर्टफोलियो में, और इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है, और ये स्टॉक खरीदने अच्छे स्टॉक खरीदने की क्षमता दिखा चुके हैं। तो जब भी आप ये खरीदे अंकिता, इसको पोर्टफोलियो हर महीने आप देखें, ताकि इस 500 से आपको सीख मिले और आगे चलते हुए जब आपकी आयु बढ़े तो आप एक सीजन्ड इन्वेस्टर बन सके। दूसरा स्कीम मैं जोड़ देता हूं, एक मिड कैप स्कीम कोटक एमर्जिंग एक्विटीज, जो पंकज श्रीवाल साहब का है, उसमें 68 स्टॉक हैं और मिड कैप इंडेक्स को ट्रैक करता है। तो ये दो स्कीम्स आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बट एक जरूर सलाह रहेगी कि इसको पढ़ते रहें, इसके बारे में, दोनों स्कीम्स के बारे में पढ़ते रहें, ताकि आपके निवेश के बारे में आपको ज्यादा समझ हो एंड लर्निंग कर्व में आप ऊपर जा सके एंड डू बेटर डिसीजन मेकिंग ओवर द इयर्स। चलिए, तो यहाँ पे आपको दो फंड दिए गए हैं, और फंड्स को लेकर और बाजार को लेकर अपनी जानकारी बढ़ाएं, और जब भी मौका मिल सके आप ETNOW स्वदेश पे मनी मंत्रा भी देखें। आपको हम यही सलाह दे रहे हैं। इसी के साथ फिरोज, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालकर आज दर्शकों को गाइड करने के लिए, उनके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए, उन्हें सही राह दिखाने के लिए। मनी मंत्रा में हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार मेरे साथ जुड़ने वाले हैं ABSL के CIO महेश पाटिल, और इनसे हम बात करेंगे इनके नए NFO के बारे में, और साथ ही बाजार की इस बदलती हुई चाल में निवेशक को क्या करना चाहिए, जानेंगे बारीकियां इस पे के बाद।